जापानी समोसा, नागोरी हलवा, सात मटके वाली चाट और जलेबी रबड़ी लाने में खड़ी होने वाली है अपनी खाट। तो अगर आज आप मेरे साथ दिल्ली के जायकों को ना सिर्फ चखने बल्कि खा खा के थकने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो पुरानी दिल्ली की सड़कों में ना मिले? मसलों से लेके मसालों तक और लफड़ों से लेके कपड़ों तक हर चीज छिपी है इन गलियों में, बस ढूंढना आना चाहिए। और जहां तक बात रही जायकों की, तो उन्हें ढूंढने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं लगती। बस मेट्रो पकड़िए और चांदनी चौक या चावड़ी बाजार उतर जाइए। जिस तरह यहाँ की भीड़ और दुकानें नहीं बदली हैं, उसी तरह यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन भी। दिल्ली के इतना पास रहने के बाद भी सरप्राइजिंगली मुझे इस इलाके के बारे में बहुत ही कम पता है। तो सोचा कि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन तो अभी बहुत दूर है, ये एक चीज तो साल के आखिरी महीने और ठंड के पहले महीने के साथ ही शुरू कर देते हैं। देखिए जी, मेरा नाम संजय अग्रवाल हूँ, मैं चौथी पीढ़ी हूँ इस दुकान को संभाल रहा हूँ। उससे पहले मेरे पिताजी संभालते थे, उससे पहले दादाजी, पिताजी शादी संभालते थे, उससे पहले पड़ बाबा जी संभालते थे। हमारी दुकान की स्पेशलिटी है जी, पुरानी रेसिपियाँ हैं सारी। अच्छा। और पुरानी रेसिपियों को हमने संभाल के रखा हुआ है, पुरानी विरासत में संभाल के रखा हुआ है, वही है सब कुछ। जैसे हलवा नगौरी बनती है, वो हमारे यहाँ स्पेशल दिल्ली शहर में हमसे बढ़िया कोई नहीं बनाता। बेड़मी आलू है, सीताफल की सब्जी है, छोले हैं, मटर की कचौरी है, मटर की कचौरी बनाते हैं सब। और मिठाइयाँ हैं, जैसे घिया की बर्फ़ी है, पाइनएप्पल की बर्फ़ी है, पतीसा है, सोनलवा है, ये सब पुरानी मिठाइयाँ हैं। नई मिठाइयाँ तो बनी रही हैं, पुरानी मिठाइयों को भी संभाल के रखा हुआ है। बाकी नगौरी का मतलब है, ये जो नगौरी होती है, दिखाना नगौरी, दिखाना भैया। ये नगौरी होती है, इसमें फोड़ करके इसमें हलवा भरा जाता है। जैसे अंगूठी में नग लग जाता है, मैं तो समझता हूँ इसलिए इसका नाम नगौरी ही पड़ा है। या नगौरी का मतलब खस्ता होता होगा, नाजुक, नाजुक पना, तो इसलिए शायद इसका नाम नाजुक नगौरी पड़ा। और ये तो नगौरी एक ऐसी चीज़ है जो पुरानी दिल्ली में अब तो रिहाइश रही नहीं, पहले तो 6 महीने के बच्चों को भी खिलाते थे और 80 साल के बुजुर्ग आ रहे हैं जिनके दांत नहीं है वो भी खा लेते थे। ऑल राइट जी, सर्दियाँ आ गई हैं तो वैसे तो जनरली मुझसे ना ही भीड़ में निकला जाता है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा सिटीज़ कवर करता हूँ, लेकिन देर इज़ समथिंग अबाउट विंटर्स विच मेक्स यू एटलीस्ट गो आउट। और सोचा थोड़ा दूर दराज बाद में जाते हैं, पहले एटलीस्ट शुरुआत करें अपने बैकयार्ड से। और एंड सरप्राइजिंगली दिल्ली के इतना पास रहते हुए भी दिस पार्ट ऑफ दिल्ली में बहुत ही कम कवर किया है, फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि थोड़ा भीड़ भाड़ मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं होता। लेकिन ये चीज़ है, खाना जो यहाँ का है वो डेफिनेटली मेरे टेस्ट के मुताबिक होता है। सो वी आर स्टार्टिंग आर डे विद नागौरी पूरी हलवा। तो नागौरी पूरी इज़ दिस विच इज़ एक्चुअली एकदम खस्ता पूरी, इट्स वेरी छोटा इन साइज़। और मेन इसकी बात ये है कि इसको अगर खाने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो मुझे बताया गया है, तो पहले तो वन हैज़ टू फाइंड आउट कि कौन सा एक्चुअली साइड है जो टूटेगा एग्जैक्टली। सो दिस इज़ द साइड विच इज़ द खस्ता साइड, एंड द बेस्ट बिट इज़ कि इसमें डालते हैं फिर हलवा। तो नागौरी पूरी हो गई, हलवा हो गया, ऊपर हो गई हल्की सी आलू की सब्ज़ी जिसके ऊपर एकदम घी तैर रहा है। Now I know कि why is it so famous. I think more than anything, ऐसा नहीं है कि individually अगर मैं कहूँ ना तो तीनों चीज़ें आर ठीक है, एक अच्छी आलू की सब्जी, एक अच्छा हलवा, but what binds it all together is this पूरी। खस्ता crispy, छोटी सी साइज़ की है, लेकिन साथ में जब उसमें डालें, थोड़ा सा उसमें एक छेद किया, हलवा डाला, हल्की सी सब्जी डाली, and then the flavors that burst into your mouth along with bursting the puris, this is I think aaj ka din acha jaane wala hai।
चांदनी चौक को चांदनी चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक टाइम पे यहाँ टाउन हॉल के पास एक पूल हुआ करता था जिसमें चांद की चमक एकदम खिलखिलाया करती थी। अब विद टाइम कुछ चीजें तो चेंज हो गई हैं, लेकिन जो नहीं बदला है वो है यहाँ की बेशुमार खाने की वैरायटी। और कुछ तो ऐसी लेजेंडरी रेसिपीज हैं जो शायद ही यहाँ के बाहर कहीं मिलती हों। ऐसी ही एक डिश का नाम है जापानी समोसा। अब नाम ही इतना दिलचस्प है तो इसकी खोज तो करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये हमारा जापानी समोसा है। इसमें 60 लेयर होती हैं। 60? हाँ जी, 60 लेयर होती हैं। और ये जो समोसा है ये 1924 में लाहौर में हमारे लाला जी ने शुरू किया था। हम लाला जी कहते हैं मेरे ताऊ जी को। उनका नाम है लाला मनोहर शाह, उन्हीं के नाम से शॉप है मनोहर ढाबा। तो पार्टीशन से पहले 47 तक तो वहीं रहे, फिर पार्टीशन के बाद जब इंडिया आ गए सब लोग, हमारे मेरे फादर भी मेरे ताऊ जी भी सब यहाँ आ गए। तो यहाँ आके फिर 2 साल काफ़ी स्ट्रगल करा, क्योंकि वहाँ से बिल्कुल जीरो होके आए थे, कुछ नहीं था। तो फिर 2 साल काफ़ी स्ट्रगल करा, फिर 1949 में इस मार्केट में दुकान शुरू की। इसका नाम है ओल्ड लाजपत राय मार्केट। तो जब से कंटिन्यू है 75 ईयर्स से यहीं हो गए। लेकिन जिसका नाम जापानी समोसा, जिन्होंने जापानी समोसा खाया हुआ है, तो वो लोग कन्फ्यूज होते थे। फिर मेरे को किसी ने, दोस्तों ने राय दी कि इसको रजिस्टर करवाओ। इसको रजिस्टर करवाया, 3 साल लगे पूरे रजिस्टर करवाने में इसको। हाँ जी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्च करते हैं ना जापानी समोसा नाम से कोई चीज़ नहीं है। फिर ये 2014 में मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हुआ, आज ये मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। जापानी समोसा है, जापानी समोसा ही नाम है इसका। कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, अभी हम लोगों ने पूछा नहीं। अपने पिंडी चने हमारे पास होते हैं, पिंडी चने के साथ सर्व करते हैं। तो ये चीज़ भी आपको दिल्ली में शायद कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि इसमें गैस वाला सिस्टम है काउंटर के अंदर, लेकिन आज तक अभी गैस यूज़ नहीं करी। गरम इस पे हो रहे हैं या बनते ही इस पे? बिल्कुल कच्चे कोयले पे। देखिए क्या ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आ रहा है। जब आप इसको खाएंगे तब आपको मेन फ्लेवर इसका जब पता लगेगा कि क्या चीज़ है इसके अंदर। ये आ गई इसके चने, थोड़ी सी इसमें पालक की ग्रेवी डालते हैं, ये भी बहुत स्पेशल ग्रेवी है हमारी। आ गई, ये आ गया, ये आ गया प्याज। ये ऑन डिमांड है, कस्टमर कोई मांगता है खाने के लिए। ये देखिए, ये ग्रीन चटनी आ गई, आ गया आपका जापानी समोसा। दिल्ली का जापानी समोसा नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा पता नहीं, लेकिन जो पहली नजर में दिखता है ना, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि इतनी सारी लेयर्स हैं। आई थिंक दिस इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ दिल्ली, कि इतनी सारी लेयर्स हैं, जितना ज़्यादा यू कीप डिगिंग इन, आपको उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ उसका फ्लेवर पता चलता रहेगा। इसकी कहानी ये है कि मुझे इसके बारे में पता चला कुछ आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले भाई दूज पे। मैं अपनी दीदी के घर गया हुआ था सिविल लाइन्स, उन्होंने ये मंगवाया हुआ था, एंड द मोमेंट आई हैड इट आई वॉज इंट्रीग्ड। मैंने उनसे जगह के बारे में पूछा, नाम पूछा, नंबर लिया, एंड हियर वी आर। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, सबसे पहले एटलीस्ट इससे पहले कि मेरे ये ज़ुबान तक पहुँचे, इसकी आवाज़ एटलीस्ट मेरे कानों तक पहुँच जाए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली रिमेम्बर। जो जी इसका एक क्रंच है ना तोड़ने में, ओह कहते हैं अच्छी डिश की पहचान क्या होती है। बिफोर आई कम टू जापानी समोसा, यहाँ के छोले ना तीखे ना बहुत ज़्यादा मसाला, लेकिन उसका एक अपना फ्लेवर, वेरी सटल, वेरी माइल्ड। लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि कोयले पे पक पक के वो जो पता चलता है स्लो कुकिंग, और वो भी कोयले पे जो फ्लेवर है, नथिंग लाइक इट। पुरानी दिल्ली के इन पुराने व्यंजनों की कहानियाँ एकदम गजब है।
खाने के अलावा यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा रहता है कि हम स्मॉल टाउन वालों को नॉस्टैल्जिया हर तरफ से हिट करता है। लेकिन बेस्ट बात तो ये है कि इन आइकॉनिक डिशेस के दाम अभी भी एंशियंट ही हैं, तो पेट के लिए भले ही भारी हो लेकिन पॉकेट के लिए एकदम हल्की। सुनील जी, सात मटकों में क्या 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 खजाना छुपाया है, थोड़ा सा बताइए। मटकों में भैया यही चाट है जी, और ये पुराने समय से हमारे पिताजी के ही जो है देन है जी, उन्हीं का सेटअप बनाया हुआ है ये। हाँ, और आइटम में हमारे पास जो है ये पांच आइटम है, कांजी बड़ा, ओके, फिर ये अपने दही बड़े जी, दही सौंठ की पकौड़ी और पापड़ी और कलमी वाले चने की दाल के। एक कांजी भाई साहब राई की है, राई की। और मूंग की दाल की ये पकौड़ियाँ जिसपे जो है ये हरी चटनी डाल के अच्छा। दी जाती है ची, ची, एक ची, गिलास में ये चार पीस होते हैं। ये इस पे कचालू लगते हैं मीठी अच्छा, चटनी पे अच्छा। और दही सौंठ पे आलू चना, और ये मसाला डलेगा भैया, ये अदरक हरी मिर्च का लच्छा जी, और ये हरी चटनी। मेरे को लगता है चाट एक ऐसी चीज़ है, वन इट इज एवरग्रीन, कभी भी कोई भी सीजन कोई भी टाइम ऑफ द डे कभी भी इसको खाओ और पूरी शक्ल ऐसे निकल आती है। लेकिन खाने से ज़्यादा मेरे को लगता है जब वो बनती है ना, एक 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 लेयर्स उसमें, जब कुछ ना कुछ पहले चाहे पापड़ी डल रही हो जैसे इसमें, तो द न्यू थिंग फॉर मी इज़ दिस कलमी वड़ा। मैंने कभी इसका नाम ना ही सुना ना ही कभी ट्राई किया, बट इट लुक्ड रियली टेम्पटिंग क्योंकि दाल की बनी हुई है, बट अब ज़्यादा वेट हो नहीं रहा है। सो दिल्ली ना और किसी चीज़ के लिए भले भी मत आओ, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, बिकॉज ये मैं यहाँ रहते हुए भी मुझे कितनी सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं, जिस तरह से मैं इसका टेक्सचर कैसा है मैं आपको बताऊं, रस्क जो हम खाते हैं उसका रस्क फिर भी हार्ड होती है, ये क्रिस्पी है लेकिन वेरी सॉफ्ट, इट मेल्ट्स इन योर माउथ। तो आप कह सकते हो सेवरी रस या नमकीन रस, एंड देन ऑफ कोर्स देयर चटनी, देयर मसालाज, साथ में वो हल्का सा सॉफ्टनेस ऑफ कचालू, उसमें भी बेस्ट चीज़ यही है अभी तक एटलीस्ट मेरे लिए, कहीं भी कोई चीज़ तीखी नहीं है इसीलिए खाई भी जा रही है मुझसे, बट यार दिस इज वर्थ कमिंग ऑल द वे। फाइनली ओवर टू द सेकेंड थिंग ऑन द मेन्यू, कांजी वड़ा, बहुत ही रिफ्रेशिंग, आई कांट इवन इमेजिन, ये मतलब और कुछ नहीं तो इसको जलजीरे की तरह भी अगर गर्मियों में आके एक ठंडा ग्लास मिले, और मटके में रखी हुई चीज़ों की एक अलग बात, एक अलग टेस्ट फ्लेवर आता ही है। सो फॉर मी अ बिग थम्स अप टू दिस प्लेस। चांदनी चौक शायद इकलौती ऐसी जगह होगी जहां हिंदुइज्म, इस्लाम, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी और जैनिज्म सब साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं, रेड फोर्ट से लेके फतेहपुरी मस्जिद तक। इस 2 किलोमीटर के स्ट्रेच पे आपको जैन मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, हिंदू टेम्पल सब मिलेंगे। मुझे लगा था कि हम लोग सैटरडे नहीं शूट करते, संडे नहीं शूट करते, वीकडे पे शूट करेंगे, भीड़ नहीं होगी, लेकिन ओल्ड दिल्ली आई टेल यू, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पे अभी पिछले 5 मिनट में आवाज़ें सुनी हैं, भैया साइड देना, भैया साइड देना, भैया साइड दे। कितने लोगों को एक साथ मैं साइड दूँ। खैर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट जलेबी, ये जलेबा है, ये दिस इज द साइज ऑफ इट एंड इट इज थिक।
सो आई एम जनरली यूज टू एंड आई जनरली लाइक एज वेल थोड़ा पतली क्रिस्पी जलेबी. सो ये वाली कैसी है? मोमेंट ऑफ ट्रूथ आप पता चलेगा. ओके मुझे लग रहा था इवन दो मोटी है तो शायद क्रिस्पी ना हो. सो इट इज़ क्रिस्पी बट नॉट जितना मुझे पसंद है. मैंने बहुत लोगों से दोस्तों से इसके थोड़े से मिक्स रिव्यूज सुने. मेरा वर्डिक्ट ये होगा इट्स वर्थ ट्राइंग वंस डेफिनेटली बट विद रबड़ी. वो जो मिठास है वो बैलेंस आउट हो जाती है. द क्रीमीनेस ऑफ मिल्क और रबड़ी इनकी डेफिनेटली इट्स नॉट ओवर पावरिंग. चटपटी चाट के बाद सर्दियों की स्पेशलिटी दिल्ली की दौलत की चाट. आई हैव हैड इट बिफोर बहुत अलग अलग जगहों पे अलग अलग. एंड फॉर मी दौलत की चाट आपको कभी ढूंढने नहीं जाना चाहिए, वो आपको ढूंढ लेती है कहीं ना कहीं किसी गलियों में. एंड वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊँ, आज मेरा प्लान नहीं था कि आज हम नहीं खाएंगे, इसने हमें यहाँ ढूंढ लिया. और जब गुजर रहे थे एक नज़र गई सोचा यार खा ही लेते हैं, क्या जाता है, सर्दियों में तो मिलती है. व्हाट आई लाइक अबाउट दिस डिश इन जनरल, कहीं से भी खाओ, एक तो मिठास बहुत कम होती है एंड दिखने में ये लगती है ऐसे थिक एकदम पुडिंग की तरह, हलवे की तरह या खीर की तरह, बट एक्चुअली इट्स वेरी लाइट, इट्स फेदरी लाइट. तो इसलिए खा के भी उतना भारीपन महसूस होता नहीं है. आज वैसे ही बहुत कुछ खा लिया है और आगे भी बहुत कुछ खाना है. और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई पेट तुम्हारा एक ही है, भले ही तुम्हारी हाइट इतनी है लेकिन इतनी जगह कैसे अंदर बना ली है, तो एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ. जब भी अगर फूड एपिसोड शूट करना हो, दिस इज़ ओनली फॉर क्रिएटर्स, तो अपने दोस्तों को लेके चलो कि, और वो हैं अभी मेरे पीछे. ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुझे सपोर्ट करने आए हैं. और मैं दो चम्मच खाता हूँ, जो बची हुई 6-8-10 चम्मचे हैं वो ये लोग खाते हैं. चांदनी चौक सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि इसकी ये भूल भुलैया गलियों में है दर्जनों छोटी छोटी मार्केट्स. स्कूल और कॉलेज की किताबों के लिए नई सड़क, चांदी की ज्वेलरी के लिए दरीबा, मसालों के लिए खारी बावली और शादी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शॉपिंग के लिए किन्नरी बाजार. वैसे मैंने दुनिया के कई सारे केओटिक नेबरहुड्स विजिट किए हैं लेकिन पुरानी दिल्ली के सामने किसी का कोई कंपैरिजन नहीं. ऐसा लगता है कि एक इनविजिबल बॉर्डर क्रॉस कर लिया हो जिसके बाद क्राउड, साउंड्स और स्मेल्स सब मैग्निफाई हो गए हैं. और यहाँ हर थोड़ी दूरी पे ऐसे चरित्र मिलेंगे जिनके हाथों का स्वाद और मुँह से निकली बात दोनों ही नहीं भूल पाएंगे. मैंने कहा था जब ये आधा हो जाए, ये थोड़ी ना कहा था पूरा छोड़ दो फिनिश करो उसको बेटे, या चाट खानी सिखा देते हम. कैलकटा में ये पत्ता नहीं मिलता हरा, डाक का पत्ता होता है बट दूसरा होता है. ये डाक का पत्ता सिवाय दिल्ली के कहीं नहीं मिलेगा आपको. इसे मिक्स मत करना आप. ओके जी, लाइक थैंक यू. So he has specific instructions for everything, and I have a feeling he's a character of sorts. लेकिन ठीक है यार, हर एक के अपने quirks होते हैं. As long as the food is good, which actually it is, who minds? Actually he's right. इसको mix मत करिए. Probably the reason is जब उसमें आप when you bite into it, तो एक एक करके मुंह में भी एक एक करके फ्लेवर आना शुरू होता है. सबसे पहले आपको चटनी लगेगी, उसके बाद दही की ठंडक. दही में भी एक हल्की सी मिठास है इसमें. आई डोंट नो, या तो रोज वाटर और शुगर डाला है साथ में. एंड देन जो उनके वड़े हैं जिनको दिस पार्ट ऑफ द कंट्री दिल्ली में इनको भल्ले कहा जाता है, दे आर रियली रियली सॉफ्ट, एकदम यू कैन बाइट इनटू इट एंड दे मेल्ट इन योर माउथ.
तो जी ये है पराठे वाली गली। मैं इससे पहले यहाँ पे आया था, आई थिंक इट वॉज अ वीकेंड, सैटरडे या संडे की बात है, तो तब मेरे को लगा कि यार ठीक है सैटरडे संडे है और न्यू ईयर्स का टाइम था तो शायद इसलिए इतना रश है। यहाँ हम ऑन एन ऑर्डिनरी वीक डे आए हैं तो भी वही हाल है। तो मेरी मेमोरी ऑफ पराठे वाली गली हैजंट रियली बीन ग्रेट, पता नहीं यार, फॉर मी पराठाज आर ईदर टू बी मेड ऑन तवा, या तवे वाले पराठे हो या फिर तंदूर वाले पराठे हो, यहाँ पे वो कढ़ाई पे पूरा घी तेल में पराठे तले जा रहे हैं। बट फॉर मी दिस इज़ वन प्लेस एंड दिस इज़ प्योरली माई ओपिनियन, यू माइट बेक टू डिफर, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरा रिकमेंडेशन है कि ये एक जगह है जो आप मिस कर सकते हैं। अगली जगह कहाँ जा रहे हैं वो वहीं पहुँच के बताओ। तो मैंने इन सब लोगों को बोला हुआ था कि देखो ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि वहाँ जा रहे हैं तो हर कोई एपिसोड में आएगा, बट एज पर गौरव जैसे ही मैंने इनको कहा एक काम करो यार आ जाओ अब सब, तो बोले कि आपका दिल पिघल गया। सो द पॉइंट हियर इज कि जब सोचा था कि आज दिल्ली चलते हैं तो दिमाग में फर्स्ट डिश, फर्स्ट डिश जो आई वो आई थी मटर कुल्चे, इनको छोला कुल्चा भी बोलते हैं, एसेंशियली दे आर मटर ओनली, लेकिन मेरे को लगा यार और बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो लेट्स गिव इट अ पास। रास्ते में एक दो जगहें देखी भी बट मैंने कहा ओके भटकना नहीं है, जो जगहें सोची हुई हैं जो लिस्ट में है वहीं जाना है। लेकिन हमारे दीपक जी इन्होंने कंटिन्यूसली हर थोड़ी थोड़ी देर में मुझे बोला कि यार आर यू श्योर, थोड़ा सा हो जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा। एंड वैसे तो मैं सख्त लौटना हूँ बट मैं पिघल गया, लेकिन अब यार हाउ कैन अ दिल्ली वाला, इवन दो आई एम नॉट रियली एसेंशियली दिल्ली वाला बट इतने साल दिल्ली एनसीआर में ही रहे हैं, तो हाउ कैन वन से नो टू, और वो भी जब अच्छे से पत्ते पे और इतनी सारी एम्बेलिशमेंट्स यहाँ पे मटर पे हैं। अब पीछे से गालियाँ पड़नी शुरू हो गई कि भाई अगर तुम बोलना बंद करोगे तो हम खाना शुरू करें, तो एज़ यूजल शिव अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, टूट पड़ो। नाउ इतनी जगह कुल्लड़ वाली चाय, कुल्लड़ वाली रबड़ी, कुल्लड़ वाला मिष्टी दोई, दिस इज़ द फर्स्ट कि कुल्लड़ में चावल, छोले और ऊपर पालक। छोले चावल इज़ अ रेगुलर कॉम्बिनेशन, पालक साथ में रोटी दैट्स अ रेगुलर कॉम्बिनेशन, बट ये तीनों चीज़ें साथ में, दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, एंड दैट टू ऑन टॉप ऑफ दैट इसके ऊपर कुल्लड़ में, एक्चुअली क्वाइट अ यूनिक कॉम्बिनेशन। एंड क्या है जनरली मुझे सब्जी ना ऐसे मिक्स करना पसंद नहीं है, अगर शादियों में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि प्लेट पे सब भर लिया, किसी का फ्लेवर नहीं आता, बट हाँ ये तीनों चीज़ें आई थिंक इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन। पेट की हो गई है बैंड अप, एंड वैसे भी थोड़ा सा मेरे लिए स्पाइसी है, ऐसा नहीं है इट्स टेस्टी बट मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी, बट एज अ कॉम्बिनेशन आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ लाइक इट।
तो ये थोड़ा स्पाइसी और मसालेदार खाने के बाद इस जीप को लालच हुई कुछ मिठास की, और थैंकफुली कुछ ही मीटर्स की दूरी पे मिला दिल्ली का आइकॉनिक रबड़ी फालूदा। ज्ञानी दी हट्टी शुरू हुई 1956 में, जब ज्ञानी गुरुचरण सिंह माइग्रेट हुए फैसलाबाद पाकिस्तान से दिल्ली। उन्होंने पहला आउटलेट यहाँ फतेहपुरी के पास खोला और तब से ये डिश बन गई दिल्ली वालों का फेवरेट डिजर्ट। बहुत ना दरदरी सा है इनका, इनकी रबड़ी तो ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ उसको ग्राइंड कर करके एकदम मक्खन बना दिया, नहीं, हल्का सा उसमें कोर्सनेस है। बट एक चीज़ जो अच्छी लग रही है, आजकल ना फालूदा में बहुत चीज़ें कई जगह डाली हुई है, कहीं टूटी फ्रूटी डली हुई है, कहीं कोई अलग अलग कलरफुल फ्लेवर्स डाले हुए हैं, इसमें कुछ नहीं, इट इज़ एग्जैक्टली एज इट इज़ जो नाम में है, रबड़ी फालूदा, ओनली दीज टू थिंग्स एंड एक के बाद एक इन लेजेंडरी जगहों की आइकॉनिक डिशेस ने टेट्रिस गेम की तरह मेरे पेट के सभी कोने भर दिए थे। लेकिन दिल्ली के आज के इस खाना खजाना सफर की एक और मंजिल अभी बाकी थी, और शायद वो अपनी जगह खुद ब खुद बनाना जानती है। पूरे इंडिया में गूगल मैप्स चलते हैं, लेकिन जितने भी पुराने शहर हैं ना, वहाँ चलता है इंडियन जीपीएस, कि अगर कोई भी अगर ऑथेंटिक लेजेंडरी जगह अगर आपको पहुँचना है तो इंडियन जीपीएस का मतलब है कि वहाँ लोग से पूछ के आप वहाँ पहुँचो। हम लोग भी जब यहाँ आ रहे थे तो इससे पहले भी एक हमें शॉप दिखी, एक बाहर मेन रोड पर दिखी, तो वी वर नॉट श्योर कि यार पहली ओरिजिनल असली वाली कौन सी है। तो वहाँ पर रुक के एक शॉप ओनर से पूछा और उन्होंने एक बताया कि ये गली में सीधा अंदर आप चले जाओ तो वहाँ आपको दिखेगी कूड़ेमल महावीर प्रसाद। सो दैट इज़ द फर्स्ट ओरिजिनल शॉप। एंड भाई आज ओल्ड दिल्ली में मेरे को लगता है खाने के इतने अजूबे हैं, आई मीन ठीक है आजकल इतने न्यू एज आइसक्रीम पार्लर्स आ गए हैं, बट इमेजिन ये 1906 जो मतलब अभी ऑलमोस्ट 117 साल पुरानी शॉप है, एंड द काइंड ऑफ फ्लेवर्स दैट दे सर्व, जामुन है, कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, अब अभी हमने एक ऑर्डर की है जामुन और दूसरी की है मैंगो, और मैंगो में रियल एक्चुअल मैंगो के अंदर इन्होंने कुल्फी भरी है। बहुत ठंडा सही में ऐसा लगता है आप एक फ्रूट खा रहे हो। बाकी जगह क्या होता है आपको ये कुल्फी खाते हो तो उस पर कई बार या फिर कोई एक आइसक्रीम खाते हो उसके अंदर फ्रूट के चंक्स होते हैं, यहाँ जी पूरा का पूरा फ्रूट है और उसके अंदर कुल्फी स्टफ की हुई है, एंड आई थिंक द फ्लेवर्स दे हैव रियली मास्टर्ड इट। सो आफ्टर मैंगो दिस इज जामुन स्टोन, ऐसा लग रहा है फ्रिज से निकला हुआ एकदम चिल ठंडा जामुन खा रहे हो। आई थिंक अभी सर्दियों में तो खा लिया, एक बार मेरे को यहाँ गर्मियों में आना है, बिकॉज गर्मियों में इन फ्लेवर्स का, बिकॉज ऑफकोर्स वेदर इतना यहाँ पे एक्सट्रीम रहता है, बट आई थिंक इन फ्लेवर्स की एक अलग ही बात होगी। चलिए अब मैं लेके जाता हूँ अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मेरे को गाली पड़ेगी, मैंने दोनों यहाँ ब्लॉक करके रखे हुए हैं, तो सी यू सून। आ गए यार। आज मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने इससे पहले जितना भी दिल्ली देखा है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सरफेस स्क्रैच करना था। आज का ये दिन एक अच्छा रीइंट्रोडक्शन था दिल्ली की कल्नरी हेरिटेज को समझने का। आई होप कि आने वाले टाइम में ये गलियां और जानी पहचानी सी लगें और ये जायके थोड़े और अपने से।